तूने ही बोला ये, तूने एक बार और बोला था यस, मुझे याद है। बेस्ट फ्रेंड तो गलत नहीं बोले यार, तुझे ज्यादा पता है। शिवेत तो वैसे ही एकदम किलस जाता है जैसे ही मैं कुछ भी बोलता हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है जब वो उसकी चिढ़ती है और उसकी जलती है। ज्यादा क्या बताऊँ, उसको पता है, उसको पता होता है, पता होता है, उसको पता है ना। तू दूसरे डाला बेस्ट फ्रेंड में, तू दूसरे के रिलेशन में मत बोला यार, क्यों भाई तेरे रिलेशन में बोलता हूं। थोड़ा ही बताएगा मेरे को, कब बोलना कब नहीं, सारा टाइम तेरा यही होता है, तू इसमें मत बोल, उसमें मत बोल। क्यों गुस्सा जब तेरे पे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, मजाक मजाक में चिढ़ जाता है बिन बात के। अब बात जब उनकी चल रही है, दिग्विजय को क्यों कूदना है बीच में, मेरे को ये समझ नहीं आता। और यही चीज है बस मेरे को उसकी जो सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। ठीक है मेरी बात आराम से, सुन गाली मत दिया कर, एक तो आराम से बात चल रही है ना, दो दिन की ठंड में तेरे बैठ गया, पोछ के नीचे बैठ जा, बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बाहर में दिक्कत। फिर अभी लाइव पे जाके सॉरी बोलता, फिर और कुछ नहीं होगा। ओए सुन यार, ये ना लाइव भाई वाली बातें मत लिया कर यार। क्यों भाई, लाइव हो जाएगा मुझे, मैं क्या बोलूं, लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तुम ऐसे मिली हो लाइफ में। सुन सुन, लड़कों की लड़ाई क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप। सुन सुन, जितने लोग बैठे हैं ना, अगर ये नहीं होते तो मैं बोलता नहीं। आई बात समझ में, इसको समझ नहीं आया क्या, भोसड़ी की तेरी गलती है, तेरे को मुझे पता है। एडी शिवेत यार एक बात देखो यार, मैं एक तो हंसता हंसता तुमसे बात करता रहता हूँ, एक बार जरा सोच के देखो कि अगर दिग्विजय को गुस्सा आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अच्छा भला मजाक में चल रही थी चीजें, ऐसे ही कलम बंदी के लिए कोई बोलता है बीच में। अबे बंदी गलत बोला क्या मैंने, कुछ गलत बोला मैंने, कुछ गलत बोला मैंने, मजाक में बात चल रही थी ना उसके साथ। एक तो चीजें नहीं समझ आती, ऐसे ही पागल हो जाता है तू। एडी और शिवेत मुझे मेरे दो गली मोहल्ले के कुत्ते लगते हैं, सिर्फ भौंकते रहते हैं भौंकते रहते हैं, जब उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग ले जाए खड़ा होता है भाग जाते हैं। कब तक करोगे तुम यार ये कुत्ते वाली हरकतें? मुसाले अगर मेरे को ये बात पहले बताता ना, इस भोसड़ी वाले की इतनी आवाज नहीं निकल रही होती यहाँ पे। दो हाथ का है वो, अगर मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया ना वो अपने घर में लेगा। लास्ट गॉसिप मेरा था बट वो नहीं पहचान पाई उस चीज को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उस चक्कर में मैंने ये लिखा कि वो कहीं ना कहीं शिवित से डरती है, जो कि मुझे लगता है घर के मैक्सिमम लोगों को भी सही लगता है।